अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक्चुअली एक फ्लैश टूल से है। तो फ्लैश टूल हम कॉलेजेस में आजकल नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्लैश से भी काफ़ी बेटर सॉफ्टवेयर्स आजकल आ चुके हैं। जैसे अब एनिमेशन के लिए फ्लैश की जगह पर पीपल यूज़ आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग 2D एनिमेशंस को करते हैं। लेकिन पहले जब मुझे याद है, जब मैं 2007 में मैंने अपनी बीटेक स्टार्ट किया था, तो 2007 में 11th 12th क्लास के अंदर भी वी यूज टू स्टडी फ्लैश। फ्लैश को अब लोग हम यूज़ नहीं करते। बीटेक के अंदर भी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर में हमें फ्लैश को पढ़ाया गया है, लेकिन अब उस फ्लैश को हम यूज़ नहीं करते हैं। बट एनीवेज, क्वेश्चन में पूछना चाहता है, द इजिएस्ट मैथड इन फ्लैश टू ड्रॉ हेप्टागन इज टू यूज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग टूल। अब हेप्टागन कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, हमारे पास यहाँ पर चार टूल आएंगे हमारे पास। एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। दूसरा हमारे पास ओवल टूल। तीसरा है पॉलीगन टूल, जिसको पॉलीगन स्टार टूल बोलते हैं। चौथा है हमारे पास, ये जो जो तीन टूल टूल्स हैं हमारे पास टूल पैनल्स पे अवेलेबल होते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स बनाने के लिए। कौन कौन से? रेक्टेंगल, ओवल और पॉलीगन। अब अगर मुझे एक हेप्टागन बनाना है, तो हेप्टागन को हम लोग पॉलीगन टूल से ही बनाते हैं। अब उस पॉलीगन टूल से हेप्टागन बनाने का जो प्रोसीजर है वो मैंने यहाँ पर गिवन है। तो पॉलीगन टूल जो बेसिकली यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पॉली स्टार टूल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास गिवन है, पॉली स्टार टूल विद पॉलीगन स्टाइल, सेकंड पॉलीगन टूल, थर्ड इज लासो टूल विद द क्रिएट स्टार ऑप्शन, एंड फोर्थ इज पॉलीगन स्टार टूल विद स्टार स्टाइल। अब बेसिकली यहाँ पर आप चेक करोगे, तो अगर आप पॉलीगन टूल को स्टार स्टाइल के साथ यूज करते हैं, तो हम उससे इस तरीके से स्टार बना सकते हैं। हमें अगर सिर्फ पॉलीगन बनाना है, सिक्स साइडेड पॉलीगन बनाना है, तो हमें स्टार स्टाइल की ज़रूरत नहीं है। तो पॉलीगन को बनाने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ पॉलीगन टूल का यूज़ करते हैं, हम उसको स्टार स्टाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास सिग्नल से है, और आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आपको आई थिंक बीटेक की भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने 11th 12th क्लास की फिजिक्स में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो बोलता है, पीरियड इफ द पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज 1000 मिली सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज। अब पीरियड होता क्या है? पीरियड मतलब कि एक सिग्नल अपने आप को रिपीट कितने टाइम इंटरवल के बाद करेगा। अब जैसे कि हमारे पास ये एक सिग्नल है, इस सिग्नल में ये सिग्नल जो है वो यहाँ से और यहाँ पर अपने आप को रिपीट कर रहा है, या फिर वो सिग्नल यहाँ से और यहाँ पर अपने आप को रिपीट करता है, यानी कि ऐसे कितने टाइम पीरियड के बाद सिग्नल जो है वो अपने आप को रिपीट करे। अब वो बोलता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट करने का जो पीरियड है उसको, वो है हमारे पास 1000 मिली सेकेंड। तो इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? अब इसके लिए छोटा सा मैंने एक थ्योरी यहाँ पर फिर भी लिख दी है, अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो आप फिर भी पढ़ सकते हो। सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि जो इवेंट आपके पास रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये आपके पास एक सिग्नल है, इसमें हमारे पास एक इवेंट जो रिपीट हो रहा है, जैसे ये जो इवेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ और ये सेम चीज़ अब यहाँ से लेकर यहाँ पर भी रिपीट करेगा, सेम चीज़ अब यहाँ से लेकर यहाँ पर भी रिपीट करेगा। तो जो रिपीटिंग चीज़ें हमारे पास पर यूनिट टाइम पर, ये कितना रिपीट करेगा? जैसे कि अब जिसने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीरियड है वो आपके पास 1000 मिली सेकेंड है, अब हम बोलते हैं कि एक सेकेंड के अंदर इस तरह के कितने पीरियड्स अपने आप को रिपीट करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो इवेंट अपने आप को रिपीट कर रहा है वो पर सेकेंड पे वो कितनी बार अपने आप को रिपीट करेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी विच एम्फसाइज द कॉन्ट्रास्ट टू स्पेशल फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड द पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ वन साइकिल इन ए रिपीटिंग इवेंट, सो द पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली जब मैं पीरियड की बात करता हूँ, सो पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर अगर मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल इज बेसिकली वन अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि जो भी आपका टाइम पीरियड है वो आपका उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी है, स्पेशल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी आपको अभी समय पर जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, आपको बस ये पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी हम निकालते कैसे हैं। अब जब उसने बोला कि हमें पीरियड गिवन है, पीरियड हमारे पास 1000 ms है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इज 1/1000 ms, और जनरली हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, यानी कि एक सेकेंड की के अंदर हम मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ही हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पर पीरियड को, सॉरी फ्रीक्वेंसी को हम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड मेजर करते हैं कि एक सेकेंड में आपके कितने ऑसिलेशंस हुए, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखो, ये हमें दिया हुआ 1000 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब क्या? देखो, हमारे पास इन वन सेकेंड वी हैव 10^3 मिली सेकेंड, उसी तरीके से इन वन मिली सेकेंड
we have 10 raised to power 3 nanos microseconds, or you can say in 1 second we have 10 raised to power 6 microsecond. Usi tarike se in 1 microsecond you have 10 raised to power 3 nanosecond, ya fir in 1 millisecond you have 10 raised to power 6 nanoseconds, or in 1 second you have 10 raised to power 9 nanoseconds. So you have units, aapko pata hona chahiye. Ab unhone bola ki period jo hai wo 1000 millisecond ka, yani ki jo period hai wo 1 second ka period hai. ठीक है, एक सेकंड का पीरियड है. तो यानी कि अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपके पास 1 हर्ट्ज़. फ्रीक्वेंसी है आपके पास 1 हर्ट्ज़. ठीक है, अब अगर मैं इसको किलो हर्ट्ज़ की बात करूंगा तो किलो हर्ट्ज़ मतलब इसको अगर किलो में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसको बेसिकली 10 रे पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1 हर्ट्ज़ को अगर आप किलो में कन्वर्ट करेंगे सो इट इज 10 रे पावर माइनस 3 किलो हर्ट्स. ओके, तो आंसर जो होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का वो होगा 10^-3 किलो हर्ट्स. तो यहाँ पर एक किलो हर्ट्स नहीं होगा, बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की गिवन है वो आपके पास 1 हर्ट्स है. तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस ऑल्सो रॉन्ग. तो किलो की आपको यूनिट पता होना चाहिए क्योंकि इन 1 किलो हर्ट्स देर आर 1000 हर्ट्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ 1 हर्ट्स की है. तो जब उसको किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 10^-3 किलो हर्ट्स आ जाएगा. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. अब जो नेक्स्ट है वो आपके पास विजुअल बेसिक का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 34 में इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक स्टेटमेंट विल असाइन द वैल्यू क्विक फ्रॉम द वेरिएबल वाई टू द स्ट्रिंग वेरिएबल एक्स. अब देखो ये एक स्ट्रिंग गिवन है. अब देखो ये मेजर कर लेते हैं कि स्ट्रिंग की डिस्टेंस कितनी है बिगिनिंग से. तो 1, 2, 3 एक हमारे पास स्पेस होगा 4, और ये जो लोकेशन है वो आपके पास यहाँ पर बेसिकली फिफ्थ लोकेशन है. सो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, और कह सकते हो 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 इसका लेंथ है. अब हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें हमने मिडल यूज़ किया है, लेफ्ट यूज़ किया है, मिड यूज़ किया है और आइंस्टायर यूज़ किया है. अब विजुअल बेसिक में मिडल नहीं हम यूज़ करते हैं, मिडल नहीं होता है हमारे पास, मिड लेफ्ट और आइंस्टायर होता है. थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं. जब हम लोग मिड की बात करते हैं तो रिटर्न्स अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स अ स्पेसिफिक करेक्टर्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग, यानी कि किसी स्ट्रिंग को अगर आप पास करोगे तो ये उसमें से एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, उसको बोलते हैं मिड. जैसे कि हमारे पास इसके दो ओवरलोड्स हैं, एक मिड स्ट्रिंग कॉमा इंट 32, इट टेक्स इनपुट, यानी कि रिटर्न्स अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ऑल द करेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजिशन इन अ स्ट्रिंग. कहने का मतलब है जैसे कि लेट अस से मेरे पास स्ट्रिंग एक्स है, एक्स इज हाई माई नेम. ओके, ये मेरे पास एज्यूम एक स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग में करेक्टर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब पहला जो मेथड हमारे पास, अगर हम ऐसा कॉल करेंगे mid x, 2 का मतलब क्या है कि पहले दो कैरेक्टर्स को छोड़ दो, उसके बाद जो भी है वो आप हमें रिटर्न कर दो. ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं एज्यूम mid x, 2, 2, अभी जो सेकेंड टू है हमारे पास ये बताता है उसकी लेंथ कितनी यूज़ करेंगे, यानी कि पहले दो कैरेक्टर से छोड़ करके आपने नेक्स्ट जो दो कैरेक्टर है उसको रीड करना. नेक्स्ट दो कैरेक्टर हमारे पास एक स्पेस और है एम, तो ये रिटर्न करेगा स्पेस एम और ये रिटर्न करेगा स्पेस माई स्पेस नेम. ओके, सो बेसिकली ये हम लोग दो ओवरलोड्स हैं मिड के. तो मिड को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है. पहला है हमारे पास जहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और स्टार्टिंग लोकेशन पास कर रहे हैं. दूसरा है जहाँ पर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग लोकेशन पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पास कर रहे हैं. ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास लेफ्ट. अब लेफ्ट का काम क्या है, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि लेफ्ट साइड से स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ही रिटर्न करेगा. ठीक है, तो जैसे हमारे पास गिवन है स्ट्रिंग str, इंटीजर लेंथ. ठीक है, यानी कि जो स्ट्रिंग है, अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग है हमारे पास x इज इक्वल टू लेट अस से my space name space is. ओके, अब अगर मैं पास करता हूँ यहाँ पर लेफ्ट x, 2. ठीक है, अब जो 2 यह है यानी कि लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए, तो हमारे पास दो ही कैरेक्टर यहाँ पर, दो 2 का मतलब 2 कैरेक्टर्स विच इज एम वाई. सो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से हमें पास करेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग लेफ्ट है. उसी तरीके से नेक्स्ट होता है हमारे पास इंस्टर, INSTR. अब INSTR का काम क्या है, रिटर्न्स एन इंटीजर स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वन स्ट्रिंग विद इन अनदर, एंड इंटीजर इज वन
based index if match is found. If no match is found, the function returns 0. यानी कि देखो हम लोग यहाँ पर दो strings pass करेंगे. अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखो आप check कर सकते हैं string और तीसरा हमारे पास compare method. तो basically integer number pass करता है. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक string है x, यहाँ पर लिखा हमने my name is, ये आपकी कोई string है, और दूसरी हमारे पास string y है which is name. अब जो string x के अंदर string y contain करती है, यानी कि string y can be a substring, है ना. तो उसी तरीके से जो इन str का मतलब क्या है, इट रिटर्न द इंटीजर स्पेसिफाइंग स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वन स्ट्रिंग विद इन अनदर. यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में कहाँ से ऑकर होनी शुरू हुई है. जैसे कि वहाँ पर माई नेम इज़ अगर दो बार है, तो अब जो अगर हम नेम को सर्च किया, तो नेम जो है वो पहली ऑकरेंस उसकी कहाँ से हुई, किस लोकेशन से हुई, तो ये उस इंडेक्स लोकेशन को रिटर्न करेगा. सो माई इज़ 1, 2, 3, 4. सो फोर्थ लोकेशन से नेम स्टार्ट हुआ है, तो जैसे फोर्थ इंडेक्स लोकेशन को रिटर्न करेगा. तो बेसिकली एक तरह से सबस्ट्रिंग देखने का एक तरीका है. अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है, दे आर आस्किंग कि हमें इस पूरी स्ट्रिंग में से क्विक चाहिए, तो क्विक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मिड. तो मिड में कैसे यूज़ करेंगे, अब इंडेक्स लोकेशन चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5. सो हमारे पास हम पास करेंगे वाई कमा 5, यानी कि फिफ्थ लोकेशन से डेटा को रीड करो. कहाँ तक डेटा रीड करो, 5 कैरेक्टर्स, 1, 2, 3, 4, 5. तो इन 5 कैरेक्टर्स को ही रीड करो, सो इट विल रीड दिस 5 कैरेक्टर्स. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज मिड वाई कमा 5, 5. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पता होना चाहिए कोहेजन क्या होता है और कपलिंग क्या होता है. तो कोहेजन कपलिंग जो है ये एक टर्मिनोलॉजीज हैं. पहले तो समझते हैं कोहेजन और कपलिंग होता क्या है. सो कोहेजन मीन्स, कोहेजन इज द इंडिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप विद इन मॉड्यूल, और दूसरा है कपलिंग इज द इंडिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स. एक है विद इन मॉड्यूल्स, दूसरा है बिटवीन मॉड्यूल्स. यानी कि दो अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको बोलते हैं हम लोग कपलिंग. और एक विद इन मॉड्यूल जो रिलेशनशिप है, उसको बोलते हैं हम कोहेजन. सो कोहेजन शोज देयर मॉड्यूल्स रिलेटिव फंक्शनल स्ट्रेंथ, एंड कपलिंग शोज द रिलेटिव इंडिपेंडेंस अमंग द मॉड्यूल्स. यानी कि दो मॉड्यूल्स एक दूसरे से कितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, उसको बोलते हैं हम कपलिंग. अब जनरली जब हम कोहेजन कपलिंग की बात करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डिजाइंस है, यहाँ पर मैं लिखा भी हुआ है, सो गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड हैव हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग. तो सॉफ्टवेयर जो है उनके अंदर हाई कोहेजन होना चाहिए, यानी कि विद इन मॉड्यूल उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन बिटवीन टू मॉड्यूल्स उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग ना हो तो अच्छा है. ऐसा इस वजह से, जैसे कि अब एक सॉफ्टवेयर को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, अब सॉफ्टवेयर को हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, हर एक मॉड्यूल्स को आप अलग अलग टीम को देंगे डेवलप करने के लिए. अब जब उस मॉड्यूल्स को आप अलग अलग टीम को डेवलप करने के लिए दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो इंट्रैक्शन हो बिटवीन टू मॉड्यूल्स, वो आपका कम से कम इंट्रैक्शन, मतलब उसके अंदर कम से कम डेटा पासिंग हो, या फिर कम से कम आपके पास, जैसे हम बोलते हैं API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या है, कि किसी मॉड्यूल से आपको कम्युनिकेट करना है, तो उससे किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे. अब जब हमारे पास दो मॉड्यूल्स की इंडिपेंडेंस ज़्यादा है, अब दोनों मॉड्यूल्स के बिकॉज इंडिपेंडेंस ज़्यादा है, तो उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शंस के लिए हमें ज़्यादा इंट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा इंट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो जो मॉड्यूल्स हैं वो काफ़ी इजीली डेवलप हो जाएंगे, यानी कि इजी रहेंगे डेवलप करना. सो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, सो कोहेजन रेफर्स टू व्हाट द क्लास कैन डू. लो कोहेजन मीन्स दैट द क्लास डज अ गुड वैरायटी ऑफ एक्शंस, इट इज़ ब्रॉड अनफोकस्ड ऑन व्हाट इट शुड डू. एंड हाई कोहेजन मीन्स द क्लास इज फोकस्ड ऑन व्हाट इट शुड बी डूइंग. तो हाई कोहेजन का मतलब है कि कोई क्लास जो है वो जो करती है, करना चाहती है, जिसके लिए आपने क्लास को बनाया है, तो वो उसके लिए हाईली फोकस्ड है. ठीक है, और कपलिंग आपको समझ में आ ही गया. तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है, वी शुड हैव हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग. तो यहाँ पर देखो, जो गुड डिकम्पोजिशन शुड अटेम्प्ट हाई कोहेजन, यानी कि कोहेजन आपके पास हाई होना चाहिए, कपलिंग आपके लो होना चाहिए. सो मिनिमाइज कपलिंग है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मिनिमाइज कोहेजन नहीं होना चाहिए, मैक्सिमाइज कपलिंग नहीं होना चाहिए, मिनिमाइज कोहेजन नहीं होना चाहिए. सो मिनिमाइज कपलिंग ठीक है, एंड मैक्सिमाइज कोहेजन. सो वी शुड हैव हाई कोहेजन, वी शुड हैव हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 35. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36. एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 36 हैं वो आपका डेटाबेसिस से हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में दे आर गिविंग अ रिलेशन, यानी कि टेबल गिवन है. उस टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, पर्सन आईडी, नेम और एज. अब जो पर्सन आईडी है वो हमारे पास एक प्राइमरी की है. जब वो प्राइमरी की है, तो हमें पता है कि प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती.
अब यहाँ पर जो प्राइमरी की है उसके अंदर एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर नल वैल्यू है, और पूछता है व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स वॉलेटेड बाय द अबव टेबल, जो ऊपर वाला जो टेबल है वो कौन से कॉन्स्टेंट को वॉलेट करता है। पहला हमारे पास रिलेशनशिप इंटीग्रिटी, एक्चुअली रिलेशनशिप इंटीग्रिटी हम लोग ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, बट एनी वेज हम लोग फिर भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपके पास जब यहाँ पर आपके पास दो रिलेशंस हैं, पहला आपके पास रिलेशन है यहाँ पर एक ये रिलेशन है और आपके पास एक ये रिलेशन है, अब वो किस रिलेशन में हम जब रेफरेंशियल रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं, रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं, तो रेफरेंसेस क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ, एक टेबल से दूसरे टेबल में हम चेक कर रहे हैं कि जो डेटा यहाँ पर है वो सेम डेटा वहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप चेक करो कि यहाँ पर जो आर्टिस्ट आईडी है वो है 3, 4 और 3। अब जो आर्टिस्ट आईडी 3 और 3 है वो दोनों इस टेबल में एग्जिस्ट करती है। जब हमें आर्टिस्ट आईडी के लिए चेक करना है तो ये बता रहा है कि आर्टिस्ट आईडी 3 जो है उसका नाम है नूनो समथिंग, और यहाँ पर बता रहा है कि जो आर्टिस्ट जो 3 है उसकी एल्बम का नाम है स्किज़ोफ्रेनिक, एक बीमारी का नाम भी है। उसी तरीके से दूसरी एक इसकी एल्बम है क्रेव। तो हमें पता है कि आर्टिस्ट जो 3 है नूनो उसके हमारे पास दो एल्बम्स हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट 4 आईडी 4 किसी की एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जिसका आईडी 4 है, तो हमें कैसे पता चलेगा उसका नाम क्या है। तो मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जब यहाँ पर ये जो आर्टिस्ट आईडी है वो यहाँ पर रेफर कर रही है, यानी कि ये सिर्फ वही डेटा कंटेन करेंगी जो इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर ये कुछ ऐसा डेटा कंटेन कर रहा है आर्टिस्ट आईडी जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको बोलते हैं वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट जो है वो वायलेट हुआ है। अब हमारे पास जो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट है वो हम बेसिकली चार मेजर तरह के इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट है जो हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। पहला है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी, दूसरा है डोमेन इंटीग्रिटी, तीसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और चौथा है यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। हम चार तरह की इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि यूनिक कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट जो प्राइमरी की है वो यूनिक होना चाहिए। दूसरा है डोमेन इंटीग्रिटी, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे किसी चीज़ के लिए आप किसी एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यूज आ सकती हैं कि उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी की है, प्राइमरी की जो है वो नल नहीं हो सकती, तो वो एक डोमेन इंटीग्रिटी है कि प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, तो हमारे पास डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे पास इसमें हमारे पास फॉरन की कॉन्स्टेंट हुआ, चेक कॉन्स्टेंट हुआ, डिफॉल्ट डेफिनेशन होंगी, सभी हमारे पास डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट में आएगा। डिफॉल्ट डेफिनेशन का मतलब है किसी कॉलम के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज क्या आ सकती हैं। अब जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट है बेसिकली वो फॉरन की और चेक कॉन्स्टेंट्स के थ्रू हम लोग उसको एनफोर्स करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपने चेक किया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, एक तो आपकी पर्सनल आईडी जो है वो एक आपकी प्राइमरी की है। अब बिकॉज एक प्राइमरी की है सो प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, अब हियर इट इज़ कंटेनिंग नल वैल्यू, सो इट इज़ नॉट फॉलोइंग द डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ओके। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट फॉलोइंग द एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो एंटिटी का मतलब क्या है कि एंटिटी इंटीग्रिटी कैन बी एनफोर्स थ्रू इंडेक्सेस, यूनिक कॉन्स्टेंट, प्राइमरी कॉन्स्टेंट। सो यूनिक कॉन्स्टेंट और जो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट है वो एंटिटी एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ एंटिटी एंड डोमेन इंटीग्रिटीज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, रेफरेंसेज हम यहाँ क्रिएट नहीं कर रहे इसलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी नहीं होगा, एंड रेफरेंशियल्स तो हो सकता है बट डोमेन नहीं, सॉरी डोमेन हो सकता है बट रेफरेंशियल नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सिंगल कॉन्टिगस स्पाइरल ग्रुप, यानी कि सिंगल कॉन्टिगस स्पाइरल ग्रुप इसमें से किस मीडिया के अंदर स्टोर होता है। पहला है हमारे पास सीडी रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क, फोर्थ इज फ्लॉपी डिस्क एंड थर्ड इज हार्ड डिस्क। अब चारों में डेटा किस तरह से स्टोर करेंगे इसके बीच में आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। अब देखो हमारे पास अलग अलग तरह के ड्राइव्स हैं, जैसे कि रजिस्टर जो है वो सबसे कम साइज़ होता है, बाइट्स में होता है, फिर कैश मेमोरी उससे बड़ी है, मेन मेमोरी उससे बड़ी है, मैग्नेटिक डिस्क उससे बड़ी है, और सबसे उनसे फिर ज़्यादा हमारे पास जो स्लो आती है हमारे पास टेप ड्राइव या फिर ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास आती है। अब एक एक करके सबको चेक करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ यहाँ पर इसके बारे में बना भी चुका हूँ। एक हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, अगर आप हार्ड डिस्क को ओपन करेंगे तो हार्ड डिस्क के अलग अलग पोर्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे कि ये होता है हमारा स्पिंडल जो कि डिस्क को रोटेट करने के काम आता है, ये रीड राइट हेड जो हमने यहाँ से रीड राइट हेड यहाँ से दिखाया भी हुआ है कि जो डिस्क है उसके ऊपर से डेटा को रीड करता है ये,
और जो डिस्क है, ये जो आपके पास एक डिस्क है उसका एक व्यू इस तरीके से है, बिकॉज जो कंप्लीट डिस्क है वो हमारे पास ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ये जो जैसे येलो में जो दिखाया गया है, येलो में दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रैक, ठीक है। और हर एक ट्रैक के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल सेक्टर्स। तो ये जो दिखा रहा है जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एक हो गया सेक्टर। तो यहाँ पर एक ट्रैक के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स हो सकते हैं और वी कैन हैव मल्टीपल ट्रैक्स। जैसे ये जो दिखा रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। अब हार्ड डिस्क के अंदर हम एक से ज़्यादा इस तरह से प्लैटर्स जो है वो कंबाइन करते हैं और ये रीड राइट हेड से हम डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली डिस्क का स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से जो हमारी सीडी डिस्क होती है, तो सीडी डिस्क में हम बेसिकली लेज़र लाइट से हम उसके अंदर होल्स करते हैं और होल्स होते हैं 0.8 माइक्रोन्स के। तो सीडी के अंदर जब हम डेटा रीड करते हैं, वो सीडी में डेटा इस तरीके से हम होल्स करते हैं जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। सो थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर रिटन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आई डोंट थिंक सो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बट ये जो मेन लाइन है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है कि सीडी के अंदर डेटा स्टोर्स एज अ सिंगल कॉन्टिगस स्पायरल ग्रूव। तो एक सिंगल कॉन्टिगस इस तरीके से स्पायरल ग्रूव यहाँ पर सीडी के अंदर स्टोर होता है। देखो डिफरेंस क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर जो प्लैटर होता है उसमें सिंगल कॉन्टिगस स्पायरल ग्रूव नहीं है, वहाँ पर हमारे पास कई सारे इस तरीके से ट्रैक्स हैं। लेकिन सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर हम इस तरीके से स्पायरल ग्रूव की तरह इस तरह से डेटा को स्टोर करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर ऐसे डेटा स्टोर करते हैं। और फोर्थ है हमारे पास जो फ्लोपी डिस्क है। अब जो फ्लोपी डिस्क है वो आज से हम काफ़ी पहले यूज़ करते थे। मुझे याद भी है जब मैं थर्ड फोर्थ क्लास में हुआ करता था, फिफ्थ क्लास में पहली बार हमने तब कंप्यूटर को देखा था। तो फिफ्थ क्लास में सबसे पहले हमारे जो टीचर ने हमें फ्लॉपी डिस्क से इंट्रोड्यूस कराया था कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। अब जो फ्लॉपी डिस्क है उसका साइज़ बहुत कम था, समझ 1.6 MB के आसपास साइज़ था, वहाँ पर हम लोग डेटा या प्रोग्राम स्टोर करते थे या फाइल्स को स्टोर करते थे। अब हम फ्लॉपी डिस्क को यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन जो गिवन है वो है रैम। अब रैम जो है वो उसके वो हार्डवेयर ड्राइव डिवाइस नहीं है, आई मीन से रैम के अंदर हम चार्ज रैम जो है उसमें डेटा बहुत ही अलग तरीके से स्टोर होता है, बिकॉज रैम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम काइंड ऑफ रजिस्टर्स। तो रैम तो ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पर, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं है क्योंकि वो एक मैग्नेटिक टेप होती है, उस मैग्नेटिक टेप में हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। हार्ड डिस्क नहीं है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज सीडी ड्राइव, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से है। सो कर्नल कीप ट्रैक द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन प्रोग्राम बाई यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। अब चार डेटा स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पर। पहला है हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, दूसरा है यूजर कंट्रोल ब्लॉक, तीसरा है फाइल कंट्रोल ब्लॉक और चौथा है मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम PCB बोलते हैं और फाइल कंट्रोल ब्लॉक को हम FCB भी बोलते हैं। अगर आपने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियोस पढ़े हैं तो वहाँ पर मैंने PCB और FCB के बारे में भी कम्प्लीटली बताया है, उसको कवर किया हुआ है। अब PCB होता क्या है, देखो हम जब किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम दो चीज़ें मेंटेन करते हैं, एक होती है हमारे पास प्रोसेस टेबल और दूसरा होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस टेबल यानी कि जो जो प्रोसेस आपको रन कर रही हैं उन सबकी प्रोसेस ID और उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के लिए एक पॉइंटर, ठीक है। अब किसी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, प्रोग्राम काउंटर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, है ना। और ये जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो हम किसी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर करते हैं। तो किसी प्रोसेस ने किस फाइल को ओपन किया है, किसी प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है, उसके अंदर क्या एड्रेस स्पेस है, क्या प्रोसेस की प्रायोरिटी है, सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर स्टोर होती है। उसी तरीके से हम फाइल कंट्रोल ब्लॉक को करते हैं, तो फाइल कंट्रोल ब्लॉक का मतलब है कि जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस फाइल्स को स्टोर किया हुआ है तो उस वो जो फाइल्स हैं उसके अंदर क्या क्या उस फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैंने एक MS Word फाइल बनाई, डॉक्यूमेंट फाइल बनाई। अब एक यूज़र जब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहा है तो क्या उस फाइल को एक्सेस करने की कितनी परमिशंस है, कैन ही रीड द डॉक्यूमेंट, कैन ही राइट द डॉक्यूमेंट, डू यू हैव रीड एंड राइट एक्सेस बोथ ऑफ देम, या फाइल को कब क्रिएट किया गया, फाइल को कब मॉडिफाई किया गया, फाइल को कब राइट किया गया, फाइल के ऑनर कौन है, फाइल का साइज़ क्या है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम फाइल कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर उसने बात ही प्रोसेस की है, तो उसने बोला है कि किसी प्रोसेस या प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। अ प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि PCB, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास रिकर्सिव प्रोसीजर। अब हमें क्लियरली पता है जब रिकर्जन आप एग्जीक्यूट करते हो तो रिकर्जन के लिए रिकर्सिव कॉल्स हम स्टोर करते हैं स्टैक के अंदर। तो विदाउट स्टैक रिकर्सन यानी कि रिकर्सिव कॉल्स पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका डायरेक्टली इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज स्टैक। स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्यू मे बी, बट क्यू हम यूज ही नहीं करते रिकर्सिव कॉल्स के अंदर, तो क्यू कैन नॉट बी देयर। लिंक लिस्ट कैन नॉट बी देयर, बट लिंक लिस्ट से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं टू स्टोर ऑल द रिकर्सिव कॉल्स, ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास एक ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है. दे आर सेइंग फॉर अ ट्री विद जस्ट वन नोड द रूट नोड इज द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड टू जीरो. इफ देर आर टू लेवल्स ऑफ नोड्स द हाइट इज वन एंड सो ऑन. अ बाइनरी ट्री इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रूल्स ऑफ द फॉलोइंग सिक्स की इंसर्टेड वन एट अ टाइम एज गिवन बिलो. बेसिकली वो कहना क्या चाहता है कि पहले तो उसने बताया कि बाइनरी ट्री होता क्या है और दूसरा बताया कि बाइनरी ट्री की हाइट कैसे इवैल्यूएट करते हैं. जैसे कि बेसिकली बाइनरी ट्री वो ट्री है जिसके अंदर आपके पास हर एक नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, उसने बोला कि द रूट ऑफ द नोड, जैसे कि ये रूट है, इट इज हैविंग हाइट जीरो, इसकी जीरो हाइट है. अब इस नोड की हाइट जो है, जो हाइट होती है दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड. अब इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से वन है, तो इस नोड की जो हाइट है दैट इज वन. अब इस नोड की जो हाइट है दैट इज ऑल्सो वन. अब ये जो नोड है इसकी हाइट हो गई टू, क्योंकि रूट से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, वन, और ये टू. उसी तरीके से इस नोड की जो हाइट है दैट इज ऑल्सो टू. तो हाइट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड. अब उसने बोला कि हम एक बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं और हम इस तरीके से हम उसके अंदर कीज़ को इंसर्ट करेंगे, तो उस हाइट ट्री की हाइट कितनी होगी. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें से हायरार्की क्या है. हम लिखते हैं ए पी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो हमने बेसिकली मैंने पूरी ए बी सी डी यहाँ पर लिख लिया है. अब इसके लिए बाइनरी ट्री बनाएंगे. सबसे पहले ट्री के अंदर बी को इंसर्ट किया, बी हमारे पास आया. उसके बाद हमने आई को इंसर्ट किया. अब जो आई है वो बी से बड़ा है, वो उसके राइट साइड में आ रहा है, तो बी के राइट में हमारे पास आ जाएगा आई. तो बाइनरी सर्च ट्री में जो भी हमारा राइट साइड पर डेटा होगा रूट से बड़ा होगा और लेफ्ट साइड का डेटा उससे छोटा होगा. तीसरा हमारे पास एन. अब जो एन है वो बी से बड़ा है, ठीक है, बी से बड़ा है तो राइट में आएगा. आई से भी बड़ा है इसलिए एन हमारे पास राइट में आएगा, तो बी आई एन. नेक्स्ट है ए. ए जो है वो बी से छोटा है तो बी के लेफ्ट में आएगा आपके पास ए. नेक्स्ट है आर. अब जो आर है वो एन से भी बड़ा है तो आर जो है वो एन के राइट में आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास वाई. अब जो वाई है वो आर से भी बड़ा है तो वाई के भी राइट में, आर के भी राइट में आएगा वाई. अब इसकी ट्री की हाइट कितनी हुई, हाइट चेक कर लेते हैं. सो इट इज़ वन टू थ्री एंड फोर. सो रूट नोड से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, दैट इज फोर. सो हाइट ऑफ द ट्री इज फोर. सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट विच इज डेटा स्ट्रक्चर. तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से आगे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन 40 से आगे जो क्वेश्चंस हैं हम 40 से लेकर 50 तक डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन के अंदर उसी आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.digimento.com विच इज़ digimento.com पर विजिट कीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी. ओके.